Dharavi, it's not just Asia's largest slum. It is also the center point of Mumbai's COVID strategy. There's a core area of the slum, there is a ring of SRA buildings, and a periphery of MADA buildings. Around that, much of Mumbai's elite colonies where people stay. Now, managing this is very important, and that is the challenge that the Mumbai administration is facing. Our correspondent Sagar Shere and our cameraman Arpit Sharma are out there on the ground trying to figure out how the administration is catering to Dharavi and making sure that Mumbai and Dharavi are safe. Just about slums, it has many residential complexes and SRA developed building. To understand what Maharashtra government is doing and what all are the precautions taken by the BMC and Maharashtra government, we will have a conversation with Dharavi MLA Varsha Gaikwad. Specifically by myself, मैंने जो खुद initiative लिया है, मैंने तीन चार चीजों की initiative लिया। पहला तो मैंने किया awareness। धारावी में जब COVID-19 की शुरुआत हुई, हमने लोगों को awareness करने का काम किया कि social distancing रखिए। लेकिन जब हमने देखा, it's very difficult because of the circumstances। जैसे मैंने बताया कि आपको 80% घर जो है वो 100 square feet के अंदर है, और एक घर में 50 square feet में 5-10 लोग रहना, it's very difficult। फिर हमने उनको सेकेंड जो COVID-19 के बाद सबसे पहली चीज़ की, तो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। धारावी में काउंसिलर कैंडिडेट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमने 25,000 तक मास्क बांटे। फिर हमने सैनिटाइजेशन का मोमेंट चालू किया बीएमसी के साथ। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे कार्यकर्ता गली में, शौचालय में, घर में जाके सैनिटाइजेशन का काम हुआ। उसके बाद हमने सैनिटाइजेशन के ऐसी बॉटल जो है वो हर घर में देने का काम किया। लगभग 60,000 बॉटल जो है वो ऐसी हमने हर घर में बांटी। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने कहा आपको कि लॉकडाउन के बाद हमने दो चीज़ें की। एक तो हम, जैसा मैंने बताया कि आपको ड्राई राशन दे रहे हैं 500 पब्लिक लोगों को घर तक पहुंचाने का, क्योंकि धारावी में क्वारंटाइन एरिया बहुत है, 37 क्वारंटाइन एरिया, 5 हॉटस्पॉट है। इसीलिए हम 500 लोगों को जो है उनके घर तक राशन पहुंचाते हैं। ऐसे 20 दिन में हमने लगभग 10,000 लोगों को जो है वो राशन दिया है। और उसके साथ साथ हम 19 किचन करते हैं, मैं आपसे स्पेसिफिकली करना चाहती हूँ, जहाँ पर खाना पकता है 12,000 से 13,000 लोगों का खाना पकता है। वो खाना जो है वो माइग्रेंट जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोगों को खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी हमने डिसेंट्रलाइज किया। 19 किचन हमारे चलते हैं, जैसे राजीव गांधी में चलता है, ओम शक्ति के माध्यम से PMGP में चलता है, अशोक मिल में चलता है, मदीना मस्जिद के यहाँ पे चलता है, हमारा 90 फीट पे किचन चलता है, कुट्टीवाड़ी में चलता है, AKG नगर में चलता है, नवाब नगर में चलता है, माटुंगा लेबर कैंप में चलता है, लाल गंगाधर चार में चलता है। तो हमारे हम काम डिस्ट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं। BMC के माध्यम से भी ड्राई अनाज देने का काम हो रहा है। BMC के माध्यम से भी जो है वो अभी फूड दे रहे थे, अभी उनको हमने कहा कि आप फूड मत दे दीजिए पैक, क्योंकि ऑलरेडी हम दे रहे, तो आप ड्राई राशन दे दीजिए। देखिए हम जो खुद पार्टी की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं 500 लोगों को हर दिन, तो लगभग 20 दिनों में हमने 10,000 लोगों को जो है ड्राई राशन, और खाना जो है हमारा हमने शुरुआत की तब किया था 5-6 हज़ार से, आज हमारा 12,000 तक लोगों को खाना जाता है। और ये कोशिश चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। BMC का जो खाना है, मुझे लगता है हर दिन उन्होंने भी ग्रॉसरी के आइटम्स लाए हैं, जो जैसा उन्होंने ड्राई राशन लाया है वो नगर सेवकों के माध्यम से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उनसे चलता है। राज्य शासन की तरफ से जो है वो अन्न सुरक्षा के अंतर्गत धारावी में 36 कार्ड होल्डर है, फैमिलीज हैं, उनको रेशन मिला है। ऑरेंज कार्ड के नीचे 30,000 फैमिली है, जिसको मैंने आज ही रेशनिंग ऑफिसर से बात किया है, तो आज और कल से वो चालू कर रहे हैं कि जो 30,000 बचे हुए लोग हैं उनको हम रेशन दे दें। तो सब यंत्रणा चल रही है कि रेशन लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर जहाँ पे व्यवस्थापन नहीं है, जगह नहीं है, जहाँ पे खाना पकाने का व्यवस्थापन नहीं, वहाँ अनाज पका के भेजा जाए, सैनिटाइजर भेजा जाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि धारावी में सबसे बड़ी समस्या हमारी कॉमन टॉयलेट है, क्योंकि जो आपने कहा कि वहाँ पे लगभग हम देखते हैं तो 300 लोग एक सीट को इस्तेमाल करते हैं, 250 से 300। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब वो बाहर टॉयलेट इस्तेमाल करके आए, तो 160 टॉयलेट में जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग करके हमने स्प्रे दिया है, ताकि वो बाहर आने के बाद उनको सैनिटाइज किया जाए। क्योंकि बहुत सी तकरार हमको यही आई कि कॉमन टॉयलेट से माध्यम से भी बहुत सी बार जो है ये फैलने का ज़्यादा काम हुआ है, तो वो भी हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को सैनिटाइजेशन का वापर करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध करके देना। और मैं उसके लिए बहुत से धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने इसके लिए हमको मदद भी की है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं
रहे हैं कि धाराई में इसको रोक सके। राइट नाउ मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि राइट नाउ हमने कोई भी ऐसी जगह नहीं रखी है जहाँ पे मोबाइल टॉयलेट का यूज़ हो। जो पहले से बिल्ट होके टॉयलेट है उनमें 160 टॉयलेट है जिसमें हम जो है वो सैनिटाइजेशन का काम अभी कर रहे हैं कि जैसे लोग बाहर निकल के आए लेडीज टॉयलेट में ऐसी लेडीज आती है तो उसको सैनिटाइज करने के लिए हमने स्प्रे दिया है, जेंट्स बाहर आए तो उनको सैनिटाइज करने के लिए हमने स्प्रे दिया है। SRA बिल्डिंग में तो मैं भी सोच रही हूँ कि हमने जितने एरिया को क्वारंटाइन किया था उनका कुछ एरिया खत्म हो चुका है, जैसे बालिका नगर का 14 डेज कवर हो गया, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे भी कहेंगे बाकी एरिया में भी यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन करने का हमारा मतलब ये है कि हम आप इससे बाहर रहिए, जो भी ज़रूरत आपको है आप हमें बताइए, हम आपके सेवा में उपलब्ध है। और सबको सब बहुत से लोग मुझे खुद फ़ोन करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से करें, ट्रांसिस कैंप से करें, जिनको रेशन चाहिए या कार्यकर्ता हमको कहते हैं, तो सबको मुझे इतना ही कहना है कि आप घर में रहिए, हम आपको हर चीज़ घर में ला के देने का काम करने के लिए हम आपको मदद करेंगे। थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अगर आप सही रहेंगे तो बिल्कुल हम कोरोना से लड़ पाएंगे। क्वारंटाइन करके उनको सभी चीज़ें उधर रेशन देके गया है, सैनिटाइज करने का काम चालू है। हमारे पास जब फ़ोन आया कि हमारे बिल्डिंग में डायमंड में आया, हमने सैनिटाइज करने के लिए बिल्डिंग में भेजा, जैसा वैभव बिल्डिंग का आया हमने सैनिटाइजर भेजा, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सब चीज़ों को हम लोग लाइनअप कर सके। अब उसमें चेकिंग और सैनिटाइजेशन और जो ग्रॉसरी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करना, उनको जो चीज़ें चाहिए वो उनके घर के अंदर प्रोवाइड करना और उनको घर के अंदर रहने के लिए रिक्वेस्ट करना, ये काम हम लोग आजकल कर रहे हैं। The government is trying to provide basic daily needs at the doorstep and sanitizing all the SRA developed buildings and residential complexes. The buildings in this locality are under lockdown and people are requested to stay indoors, is what Dharavi MLA Varsha Gaikwad concludes. This is Sagar Shere with Arpit Sharma signing off. Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.